दोस्तों आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज का एक अपडेट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित आपको दे देते हैं। दोस्तों बस कुछ ही देर पहले भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है 70 रनों से और भारतीय टीम अब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। दोस्तों ये एक अच्छी खबर है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तो है ही, दोस्तों हम सब के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। और हम पहले ही कहते आ रहे हैं दोस्तों जो मोमेंटम के साथ भारतीय टीम खेल रही है वर्ल्ड कप बिल्कुल जीतेगी। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों जिंग सुपर एफटीए से संबंधित एक सवाल स्विच ऑफ डेट के बारे में काफ़ी समय से बार बार मुझसे पूछा जाता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से और मैं बार बार बताता भी हूँ समझाता भी हूँ। दोस्तों एक सवाल और आया है जिसका कि एक वीडियो के माध्यम से ही जो जवाब देना पॉसिबल था ताकि सभी लोग जान सके इसके बारे में विस्तार से। तो दोस्तों वो एक सवाल कौन सा है जो कि स्विच ऑफ डेट से संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों इस वीडियो के अगले हिस्से में दोस्तों उस पर डिटेल में बातें करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। तो दोस्तों आ गए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और जिस सवाल की मैं बात कर रहा था दोस्तों वो हमारे एक सब्सक्राइबर उनके द्वारा पूछा गया है कमेंट सेक्शन के माध्यम से और सवाल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक बार। जिंग में सिंगल चैनल्स ऐड करने के बाद वो चैनल का स्विच ऑफ डेट 30/11/2023 बता रहा है पर उसके पहले 3 मई 2025 था, तो ऐड किए हुए चैनल्स बंद होने के बाद जिंग एफटीए पैक एक्टिवेट रहेगा क्या? ये एग्जैक्ट सवाल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये सवाल उपलब्ध है, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझ लीजिएगा कि जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स जब आप परचेज करते हैं तो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है उस सेटअप बॉक्स के साथ, यानी कि जिस भी साल में आप परचेज करेंगे जिस महीने परचेज करेंगे उस महीने से लेकर के अगले 2 साल तक अगले महीने तक आपको सेटअप बॉक्स की वैलिडिटी मिलती है, तो वो सेटअप बॉक्स की वैलिडिटी 2 साल तक बनी रहती है। अब उसमें आप चैनल्स ऐड करते हैं चैनल्स ऐड नहीं करते हैं, चैनल्स ऐड करने के बाद आप उनको रिचार्ज करते हैं नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप सिंगल पेड चैनल्स ऐड करेंगे, मैंने पहले भी बताया है सिंगल पेड चैनल आप ऐड करें, बुके ऐड करें, एड ऑन्स ऐड करें, जो भी चैनल्स ग्रुप में आप ऐड करते हैं उन सभी चैनल्स का ही स्विच ऑफ डेट सेटअप बॉक्स का स्विच ऑफ डेट हो जाता है, टेम्पररी स्विच ऑफ डेट होता है। दोस्तों मेन स्विच ऑफ डेट और टेम्पररी स्विच ऑफ डेट आपको समझना पड़ेगा। मेन स्विच ऑफ डेट वही है जो सेटअप बॉक्स आपने परचेज किया था, जो सेटअप बॉक्स का स्विच ऑफ डेट आपको मिला हुआ है। टेम्पररी स्विच ऑफ डेट क्या है, जब आप कोई भी पेड चैनल्स एक्टिवेट कर लेते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं और उतने अमाउंट का रिचार्ज कर देते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों जो आपका वो सब्सक्राइब्ड चैनल है, मान लीजिए 2 रुपये का चैनल है और आपने अकाउंट में 20 रुपये या 30 रुपये 40 रुपये जो भी है डिस्ट्रीब्यूट अकाउंट में आपने रखे हुए हैं, दोस्तों अगर केवल 2 चैनल्स आपने एक्टिवेट कराया है जिनका मंथली प्राइस 15 रुपये है और आपके माई डिस्ट्रीब्यूट अकाउंट में 45 रुपये है, तो ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद का स्विच ऑफ डेट आपको मिल जाएगा। अगर 30 रुपये आपके अकाउंट में है माई डिस्ट्रीब्यूट अकाउंट में है तो ऑटोमेटिकली आपको 2 महीने का स्विच ऑफ डेट मिल जाएगा। वो स्विच ऑफ डेट उन पर्टिकुलर चैनल्स का होता है जो पेड चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों जितने भी पेड चैनल आपको जिंग सुपर एफटी में सब्सक्राइब करना है आप सब्सक्राइब करें, उतना अमाउंट रिचार्ज करें और इस वरी में न रहें कि अगर हमारा सेटअप बॉक्स का स्विच ऑफ डेट चेंज होता था, तो दोस्तों चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप दोबारा से रिचार्ज करना भूल गए उन चैनल्स को तो वो चैनल बंद हो गए न कि आपका सेटअप बॉक्स बंद होगा। दोस्तों ऊपर भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो बंद हो जाएंगे क्योंकि माई डिस्ट्रीब्यूट अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा आपके, तो बंद हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि एफटीए चैनल्स आते रहेंगे क्योंकि 2 साल की वैलिडिटी है सेटअप बॉक्स की, तो वो तो कंटिन्यूटी में रहेंगे ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अब समझ में आ गई पसंद भी आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।